सो वेलकम बैक गाइस, को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 12वीं का जो विषय है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का आपका पेपर है, ए सेट का पेपर, जल्दी से फटाफट देख लीजिए। यहाँ पर पूरा पूरा सॉल्यूशन सहित इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। सो गाइस जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके हमने आपके जितने भी पेपर हो चुके पूरे पूरे हमने रियल पेपर प्रोवाइड कराए। चलिए अब इसका पेपर सॉल्यूशन सहित देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर पहला है रेडियोधर्मी क्षय क्रिया की अभिक्रिया कोटि होती है, कैसी होती है? यहाँ पर पहला का हो जाएगा द्वितीय होती है, द्वितीय कोटि होती है। इसके बाद दूसरा कैथोड पर होने वाली क्रिया है, कैसी है? यहाँ पर अवकरण है। इसके बाद है तीसरा, निम्न में से कौन अंतरकाशीय यौगिक बनाता है? सो गाइस इसमें से राइट आंसर हो जाएगा द ऑप्शन, हो जाएगा सभी। इसके बाद मोहन लवण है, मोहन लवण है द्विक लवण, इसमें आ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका पांचवा, एल्डिहाइड ऑक्सीकरण करने पर बनाता है, क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। इसके बाद है छठवां, एथिल एमीन नाइट्रेस अम्ल से क्रिया करके बनाता है, क्या बनाता है? इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें द ऑप्शन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन बनाता है। सो गाइस आपके जो है छः नंबर के सही विकल्प कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अब आपके जो है रिक्त स्थान देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना जो कि छः नंबर के। चलिए पहला है इलेक्ट्रॉन युग्मदाता कहलाता है, कौन कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। सो गाइस यहाँ पर लिगेंड भर देना है आपको। इसके बाद है दूसरा, प्रकाश संश्लेषण एक डोडो अभिक्रिया, कैसी? यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया, जो क्लोरोबेंजीन। सो गाइस यहाँ पर लिख देना है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन अभिक्रिया। सो गाइस इतना ही लिख देना है क्लोरोबेंजीन। इसके बाद है दूसरा, फिनॉल को जिंक के चूर्ण के साथ गर्म करने पर डोडो बनाता है, क्या बनाता है? बेंजीन बनाता है। सो गाइस इसमें क्या हो जाएगा? बेंजीन। इसके बाद है चौथा, संड में अभिक्रिया का उत्पाद है, क्या है? विस्फोटक। सो गाइस इसमें हो जाएगा, इसमें सॉरी यहाँ पर अल्फा कण है, डिसेंड में अभिक्रिया का उत्पाद है अल्फा कण, अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन इसमें लिख देना आपको अल्फा हाइड्रोजन। इसके बाद है नाइट्रोटाउलिन एक डोडोट पदार्थ है, कैसा? विस्फोटक। सो गाइस इसमें लिख देना विस्फोटक है। सो गाइस ये आपका विस्फोटक हो जाएगा। इसके बाद है आपका छठवां रिक्त स्थान, छठवां रिक्त स्थान में एल्डिहाइड एवं कीटोन एल्लोर संग्रहण देते हैं, जिसमें डोडोट उपस्थित होता है, क्या? शून्य। इसमें आपको लिख देना है शून्य। इसके बाद है आपके सही जोड़ियाँ मिला लेते हैं, देख लीजिए फटाफट आपकी सही जोड़ियाँ मिला लेते हैं। पहला है संरक्षण, संरक्षण का हो जाएगा SCl। इसके बाद दूसरा मिला देना है सोडा वाटर से। इसके बाद तीसरा हो जाएगा कॉपर सिल्वर से। चौथा आपका मिल जाएगा मीरबेन तेल। इसके बाद पांचवा है ब्रोमो बेंजीन। ये आपके पांच नंबर की सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद एक शब्द वाक्य में उत्तर, जो कि पांच नंबर के। चलिए ये किस कोटि की अभिक्रिया सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है? सो गाइस इसका हो जाएगा शून्य कोटि। सो गाइस यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? शून्य कोटि, शून्य कोटि आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है इकाई समय में क्रिया कारक की सांद्रता परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभिक्रिया दर कहते हैं, अभिक्रिया दर। सो गाइस ये आपका दूसरे का राइट आंसर। इसके बाद तीसरा है किसी अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं? संकीर्ण ऊर्जा कहते हैं। इसमें लिख देना है संकीर्ण ऊर्जा, इसमें संकीर्ण ऊर्जा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है Cu प्लस, जो Cu डबल प्लस में कौन सा आयन रंगहीन है? सो गाइस इसमें हो जाएगा Cu टू प्लस। इसके बाद है आपका पांचवा क्वेश्चन है बिलियन के अणुसंख्या गुणधर्म किस प्रकार पर निर्भर करते हैं? सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा कणों पर। सो गाइस यहाँ पर आपको लिख देना है कणों पर। इसके बाद अब आ जाते हैं आपके सत्र सत्र, चलिए फटाफट आपके सत्र सत्र कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए छः नंबर की सत्र सत्र, पहला जो है आपका सत्य हो जाएगा, पहला आपका सत्य, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद चौथा है जो आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद पांचवा आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवां भी आपका सत्य हो जाएगा। सो गाइस आप जल्दी से फटाफट इनकी सत्य सत्य के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइस यहाँ पर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो गए, अब आपके दो दो नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं। सो गाइस जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर विलयन किसे कहते हैं? अथवा दिया हुआ मरा विलयन किसे कहते हैं? ये दो नंबर के क्वेश्चन है, देख लीजिए। ये आपका सातवां क्वेश्चन है, दो नंबर का आठवां है, नौवां है। चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। तो वैसे ये रही आपके नौवां का अथवा के बाद दसवा, देख लीजिए फटाफट सभी क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए दसवां का अथवा है, इसके बाद ग्यारहवा, ये आपका ग्यारहवा है, ग्यारहवा के बाद बारहवा के बाद है तेरहवा, देख लीजिए फटाफट। इसके बाद है चौदहवा, देख लीजिए फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये रहा आपका पंद्रहवा और सोलहवा, ये रहा आपका सोलहवां का अथवा। सोलहवा के बाद सत्रहवा है, सत्रहवा के बाद है अठारहवा, अठारहवीं के बाद उन्नीसवां, उन्नीसवां के बाद बीसवां। सो इस तरह जो आपके बीस के बीस क्वेश्चन है
पूरे पूरे कंप्लीट हो गए। अब गाइस आपको फटाफट वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी तरह बाजी परीक्षा में पूरी हेल्प की जाएगी। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।